नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते का जो वीकली वीडियो था उसमें हमने जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स दिए थे उस लेवल्स का आपको पिछले हफ्ते में बहुत हेल्प हुआ होगा, ऐसा पूरा भरोसा हम रख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, उसी तरह से उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए बाजार को हमने देखा है। अभी इस हफ्ते में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जहां पे हमें ध्यान देना है? बहुत सारे सेक्टर्स है दोस्तों जहां पे हम बहुत ऐसे लेवल के नजदीक है जो लेवल्स टूटते ही या तो एक बड़ा अप मूव या तो बड़ा डाउन मूव आ सकता है। कमोडिटीज में कुछ तो होने जा रहा है। आपको याद है पिछले हफ्ते में हमने रूपी डॉलर के बारे में जो प्रेडिक्शन दिया था, एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल दिया था, उसके बाद क्या हुआ? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से लेवल्स है, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहां पे हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात भी मैं आपसे करने वाला हूं, तो ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एज यूजुअल हम चालू करेंगे निफ्टी के साथ। अभी निफ्टी का चार्ट अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो पिछले हफ्ते में मैंने आपसे ये कहा था कि ये बॉटम और ये बॉटम बहुत नजदीक है और 17,800 के आसपास है। इस लेवल को इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल हमने कहा था और उसी लेवल के आसपास से हमने एक रिकवरी आते हुए देखा। पिछले हफ्ते के वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें इस लेवल से देखने को मिल सकता है और उसी तरह से वो देखने को मिला। अभी इस हफ्ते के लिए क्या है दोस्तों, अगर ये दो सारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस चार्ट पर जो लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको अगर मैं एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करके रखता हूं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बेस बिल्डिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर है हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये लेवल कौन सा आ रहा है? 17,800, 17,750। ये जो लेवल है ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो पिछले हफ्ते में मैक्सिमम तीन यानी पांच में से तीन कैंडल अगर मैं देखता हूं तो 18,000 के ऊपर नहीं जा पाए। तो पहला लेवल जो निकल के आ रहा है चार्ट के हिसाब से वो है 18,000 और उसके ऊपर अगर मैं देखता हूं तो 18,150। सो 18,000 और 18,150 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। अगर निफ्टी को स्ट्रेंथ दिखानी है तो निफ्टी को 18,000, 18,150 ये दो लेवल्स को डिसाइसिवली क्रॉस करके ऊपर की तरफ टिकना होगा तो वापस हम एक बार ऊपर की तरफ निकलते हुए दिखाई देंगे। और नीचे की तरफ दोस्तों, जैसे आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो गिरावट और तेज होती हुई हम देखेंगे और नीचे के लेवल्स जहां पे चार्ट पर मैं देखता हूं तो नीचे मैं सीधा देख रहा हूं करीब करीब हम टेस्ट करते हुए नजर आएंगे इस लेवल को जो है 17,625, 17,600। सो 17,750 अगर मैं ओवरऑल लेता हूं तो 17,750 के नीचे फिसलते हैं तो 17,600 तक हम फिसल सकते हैं और ऊपर की तरफ 18,000, 18,150। ये हो गया चार्ट के हिसाब से। अभी हम देखेंगे ऑप्शंस चेन डेटा निफ्टी के लिए। ऑप्शन चेन डेटा हम देखते हैं तो ऐसे कौन से स्ट्राइक प्राइसेस है जहां पे हमें सबसे ज्यादा, पहले हम कॉल साइड देखेंगे 18,000 पे अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है करीब करीब 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। यानी चार्ट के हिसाब से भी और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 18,000 ये एक अहम लेवल निकल के आ रहा है। उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो इमीडिएट है 18,200। उसके बाद ये जो 18,100 है वहां पे 77,000 है लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी अगर मैं कंपेयर करूँ तो 18,000 and 18,200 ऑन द हायर साइड ये ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से निकल के आ रहे लेवल्स। यानी चार्ट के हिसाब से 18,000, 18,150, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 18,000 विच इज कॉमन एंड 18,200 ये दो लेवल्स निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे अगर वापस एक बार अप ट्रेंड रिज्यूम करना है तो। उसी तरह से अगर मैं पुट साइड को देखता हूं, पुट साइड में पहला जो लेवल निकल के आ रहा है जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में
दोस्तों वो है 17,800। 17,800 हम चार्ट के हिसाब से भी देख रहे थे और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी हमें सेम लेवल निकल के आ रहा है। सो मोटा मोटी दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अगले हफ्ते के लिए, नीचे की तरफ 17,800, ऊपर की तरफ 18,000। इन दो लेवल्स की तरफ हमें ध्यान देना है। सो ये हो गया दोस्तों निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का हम चार्ट अगर देखते हैं तो यहां पे भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है आपके लिए। ये जो पिछले हफ्ते के चार पांच कैंडल्स हैं उनकी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहां पे कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन का अगर हम लोअर पॉइंट पकड़ते हैं तो इस कंसोलिडेशन का लो है करीब करीब 41,700 और पिछला बॉटम अगर हम चेक करते हैं तो वो है करीब करीब 41,500। यानी हमारे लिए अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी की तरफ स्ट्रांग सपोर्ट जोन अगर मैं कहूंगा तो वो है 41,500 एंड 41,700। ये दो लेवल्स रहेंगे फॉर बैंक निफ्टी। इसके नीचे हम देखेंगे बेरिशनेस और ज्यादा बढ़ता हुआ। ऊपर की तरफ जैसा हमने निफ्टी में देखा था कि ये जो लास्ट के तीन कैंडल्स है इसमें 42,500 के आसपास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 42,500 के ऊपर अगर हम निकल पाते हैं, करीब अभी सिर्फ 130 पॉइंट हम दूर है 42,500 से, अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो अगला जो लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनते हुआ दिखाई दे रहा है वो है 42,700। सो 42,500 एंड 42,700 ऑन द हायर साइड, 41,700 एंड 41,500 ऑन द लोअर साइड, ये चार्ट के हिसाब से टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हुए नजर आ रहा है। तो ऑप्शन चेन डेटा हमें क्या सुझा रहा है, लेट्स चेक ऑप्शन चेन डेटा फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कॉल साइड पहले देखेंगे। कॉल साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है, देखो दोस्तों वो दिखाई दे रहा है 42,500। अगेन द सेम लेवल, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट के हिसाब से भी और ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं 42,500 ये अहम लेवल निकल के आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं चेक करते जाता हूं तो सीधा मुझे 4,300 पे और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 43,000 है। तो अगर मैं ऑप्शन चेन डेटा और चार्ट का डेटा एक साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं तो अगेन 42,500 अहम लेवल रहेगा, इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम जारी होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अभी हम चलते हैं पुट साइड की तरफ। पुट साइड में हम 42,000 की तरफ देखेंगे। 42,000 ये अहम लेवल दिखाई दे रहा है। 42,000 सीधा 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर मैं चार्ट भी देखता हूं तो हम यहां पे देख रहे हैं 42,000 एंड देन 41,700। सो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे नीचे की तरफ मुझे एक अलग लेवल मिल रहा है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 42,000 का, और उसके नीचे हमने चेक किया था चार्ट के ऊपर 41,700 जहां पे करीब करीब 30,000 शेयर्स है कॉन्ट्रैक्ट्स है सॉरी और 41,500 पे करीब करीब 57 है। यानी नीचे की तरफ स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आ रहा है 42,000 के लेवल पे। सो 42,000 एंड 41,700 इन दो लेवल्स की तरफ अगले हफ्ते के लिए ध्यान देना चाहिए जो बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। इसके आधार पर हम जब ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ, अगर हम किसी बैंकिंग स्टॉक की तरफ देख रहे हैं तो हमें इन दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना है लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन लेते वक्त। आप लोगों को अभी तक अंदाजा आ गया होगा कि किरण सर ने आपको इतने महीने इतने साल तक जो गाइड किया है तो ये लेवल्स आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इन लेवल्स का ध्यान रखते हुए अपने ट्रेडिंग के डिसीजन अच्छी तरह से ले सको। दोस्तों ये हो गया मेन इंडाइसेस के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्टर्स। सेक्टर्स ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है दोस्तों, मैंने थोड़ा होमवर्क करके कुछ ऐसे सेक्टर्स ढूंढ के निकाले हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑटो। अभी ये निफ्टी ऑटो ये जो सेक्टर है यहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पे एक नेकलाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो नेकलाइन है ये नेकलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी अगर पकड़ेंगे तो ये जो फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस फॉर्मेशन का जो हाई है करीब करीब 12,900, अभी हम 12,830 के आसपास है ऑटो इंडेक्स। 12,900 के ऊपर अगर हम इस इंडेक्स को निकलते हुए देखेंगे तो ऑटो स्टॉक्स में एक बेहतरीन रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें ऑटो सेक्टर की तरफ ध्यान देना है। जैसे ही हमें इस इंडेक्स में 12,900 के ऊपर ये इंडेक्स निकलता हुआ दिखाई देगा तो बट नेचुरली ऑटो स्टॉक्स में कुछ हलचल देखने को मिलेगी और वहां पे हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो पहला सेक्टर रहेगा ऑटो सेक्टर। दूसरा जो सेक्टर है वो रहेगा एफएमसीजी। अभी निफ्टी एफएमसीजी का अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो इसमें भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये जो फॉर्मेशन होता है ये बेरिश इंप्लीकेशन वाला होता है। तो इस इंडेक्स का अगर अभी इंडेक्स करीबन 43,950 के आसपास है, ये इस इंडेक्स को अगर हम 43,600 के नीचे अगर हम एफएमसीजी का इंडेक्स उस लेवल के नीचे जाते हुए देखेंगे तो मैं मानता हूं यहां पे गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। सो एफएमसीजी स्टॉक्स में हमें शॉर्ट पोजीशन ढूंढने की शॉर्ट पोजीशंस की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अगर इंडेक्स 43,600 के नीचे फिसलता है उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा, पिछले हफ्ते में हमने आईटी के बारे में बोला था अवॉइड लिस्ट में रखो, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। हमने यहाँ पे देखा था कि बहुत नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला था, वापस तेजी से ऊपर आया और बहुत जैसे मैंने कहा था कि वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी क्योंकि रिजल्ट सीजन के चलते आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अभी चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा जो कंसोलिडेशन है इस कंसोलिडेशन के सारे टॉप्स अगर आप देखते हो तो ये बहुत नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर इस इंडेक्स ने करीब करीब 29,100 के ऊपर अगर आईटी इंडेक्स निकलता हुआ दिखाई देगा तो आईटी इंडेक्स में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो हम उस वक्त आईटी स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना चालू करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस हफ्ते में आईटी इंडेक्स की तरफ ध्यान देना है। अगर हमें इसमें ब्रेकआउट मिला तो जो स्टॉक्स जिसमें अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है उन स्टॉक्स पर हम ध्यान रखेंगे। एंड फाइनली मेटल्स, निफ्टी मेटल की तरफ अगर मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि ये जो जोन है ये सारे जो टॉप्स है इस टॉप्स की तरफ पिछले हफ्ते के वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था 6,900 के आसपास ब्रेकआउट मिल सकता है। हम पिछले हफ्ते में यहां कही तो थे 6 तारीख को हम करीब करीब 6,800 के आसपास थे और मैंने ब्रेकआउट लेवल आपको बताया था 6,900 का। अगले हफ्ते के लिए भी सेम व्यू मेरा कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी मेटल 6,900 के ऊपर मेटल इंडेक्स अगर ऊपर निकलता है 6,900 के तो वापस एक बार हम मेटल इंडेक्स में और बढ़त देखने को मिलेगी। मेटल स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो सेक्टर्स थे और जो सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे उनकी मैंने आपको लिस्ट बताई। ऑटो स्टॉक, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी के लिए हमें ध्यान देना है कि उसमें गिरावट बढ़ सकती है। आईटी सेक्टर, अगर हमें आईटी इंडेक्स में ब्रेकआउट मिला तो आईटी स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना है। एंड फाइनली मेटल, ये चार सेक्टर्स के ऊपर हमने बात की। दोस्तों अभी हम चलते हैं कमोडिटीज। कमोडिटीज में मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। पिछले कई हफ्तों से किरण सर ने आपको गोल्ड के ऊपर बाय सिग्नल दिया था और कहा था कि एक बहुत ही अच्छी रैली गोल्ड में देखने को मिलेगी और उसी तरह से गोल्ड में एक रैली देखने को मिली है। और अभी ये जो लास्ट कैंडल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वापस एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम हमेशा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इस तरह के बात करते हैं। होता क्या है ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस, ये जो टॉपिक है ना ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है
और जनरली आप सब लोगों को बहुत बार आपने ये शब्द सुने होंगे, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन, नेक लाइन, इस तरह के अलग अलग शब्द आपने सुने होंगे। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत इस दुनिया में दिसंबर 1902 में हुई थी, लेकिन इसमें आज ढेर सारी अलग अलग तरह की थियरीज है, अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स है, ऑसिलेटर्स है। कॉमन इन्वेस्टर जो होता है उसको ये कंफ्यूजन होता है कि इतने सारे थियरीज है, इतने सारे इंडिकेटर्स है, इतने सारे चीजें होती है टेक्निकल में, उसमें से मैं कौन सा यूज करूं। तो यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अपने जो किरण सर है उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस में से कुछ पैरामीटर्स ऐसे, कुछ थियरीज ऐसी है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं जो हम हमारे वर्कशॉप में आप लोगों को सिखाते हैं। हम कैसे आपको व्यू देते हैं कि ये स्टॉक, आपने किरण सर को देखा होगा टीवी पे, बहुत ही बेहतरीन कॉल्स वो टीवी पे देते हैं, तो वो कॉल्स वो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि आज इस स्टॉक में ये ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई देगा, उसका टारगेट इतना रहेगा। तो ये पूरा आसान भाषा में आपको हम सिखा सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, हमारा जो वर्कशॉप होता है। इस वर्कशॉप में आपको टाइम टारगेट कैलकुलेशन करना भी सिखाया जाता है, उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। जिस तरह से हम एनालिसिस करते हैं आप भी उसी तरह से एनालिसिस कर सकते हो। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पे, जो हमारे वेबसाइट पे लिखा हुआ है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है, उस वर्कशॉप के बारे में पूरा जानकारी लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वर्कशॉप हम कंडक्ट करते हैं दोस्तों, इसका हम मनी बैक गारंटी लेते हैं। यानी आप पहले दिन ये पूरा वर्कशॉप अटेंड करो, अगर आपको लगता है कि ये वर्कशॉप वर्थ नहीं है तो आप आपका पैसा वापस लेके जा सकते हो, क्योंकि हम जिस तरह से आप लोगों को एक मेथड सिखाते हैं वो मेथड पे हमारा कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए ये मनी बैक गारंटी है। तो उसके बारे में हमारे वेबसाइट पे पूरी जानकारी लिखी हुई है। एंड में इस वर्कशॉप के एंड में मैं दिखाऊंगा आपको कि कहां पे आपको वो मनी बैक गारंटी है, ताकि आप ये ना कह सको कि आपने बोला था लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हमारे वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है, एंड में मैं आपको दिखा दूंगा। कमिंग बैक टू गोल्ड, गोल्ड में मैं मानता हूं अभी गोल्ड 56,324 के आसपास है। जिस तरह के ये चार्ट फॉर्मेशन है, 57,000 तक भी गोल्ड जाने की पूरी पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने ऑलरेडी हमारे कहने पर इस वीडियो को देख के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके इसमें होल्ड करके चलना चाहिए। अभी देखते हैं सिल्वर, सिल्वर का चार्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। पिछले कई दिनों से, पिछले तीन वीडियो से मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किरण सर ने जो टारगेट दिया था 72,000 का, अभी भी इंटैक्ट है, और मैं मानता हूं जिस दिन इस कंसोलिडेशन को भी ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई देगा, और बड़े टारगेट्स सिल्वर में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। क्रूड, अगर क्रूड की हम बात करते हैं, क्रूड में मैंने लास्ट के वीडियो में एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी कि इस लेवल के जब तक हम नीचे है तब तक हम वोलाटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगले दो चार ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमें इस लेवल की तरफ ध्यान देना है, 6,760 टू बी वेरी प्रिसाइज, इस लेवल की तरफ ध्यान देना है। एक अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर और जारी होता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी होने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन ब्रेकआउट जो आएगा वो 6,750 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छा रैली क्रूड में उसके बाद देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे वर्ल्ड इंडाइसेस पर, यानी डाउ। अभी डेटा वापस लास्ट टाइम की तरफ, डेटा में अभी थोड़ा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, और एक कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी करीब 112 पॉइंट का। कल के सत्र में हमने मूवमेंट देखा, 34,300 का आसपास क्लोजिंग मिला है, 34,300। अभी 34,300 यानी हम करीब करीब इस लेवल पे हैं, इस हाई के आसपास ही है। अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक ये जो बुलिश मोमेंटम है, इसके लिए मैं मानता हूं कि ये बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है। 34,500 के आसपास हम डाउ को जाते हुए देखेंगे। नाउ रूपी डॉलर फॉरेक्स, दोस्तों पिछले हफ्ते में
मैंने आपको एक मेक और ब्रेक लेवल की बात की थी, यूएस डॉलर के, यूएसडी आईएनआर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैंने कहा था 82 रुपीज 40 पैसा। मैंने ये जो लेवल दिया था नीचे की तरफ मेक और ब्रेक लेवल 82 रुपीज 40 पैसा, अगर हम इसके नीचे फिसलेंगे तो हम रुपए में और स्ट्रेंथ बनते हुए हमें दिखाई देगी, और इसी तरह से ये ताकत रुपी में आती हुई हमने देखी। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर और लेवल्स जिस तरह से काम करते हैं हमने आपको सुझाए थे। ऊपर की तरफ मैंने कहा था 83 रुपीज 15 पैसा, 83 रुपीज 30 पैसा, और नीचे की तरफ 82 रुपीज 40 पैसे, ये दो लेवल्स मैंने आपको दिए थे। उसके नीचे फिसलते ये बेहतरीन प्रदर्शन रुपए में देखने को मिला। अभी यहाँ अगले हफ्ते में क्या हो सकता है, ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट के बाद जनरली जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, तो कंसोलिडेशन होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोस्तों ये जो लेवल्स आइडेंटिफाई करना होता है ये आप भी सीख सकते हो, मैं ये चाहता हूं कि आप भी ये सब कुछ सीखो, यानी आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिल जाएगी जहां पे आप इंडिपेंडेंटली खुद स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट स्टॉक में सही समय पे निवेश कर पाओगे। इसलिए हमारे वर्कशॉप को आना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड फाइनली पुट कॉल रेशो। अभी दोस्तों ये जो पुट कॉल रेशो है, कॉल रेशो में, हाँ, पुट कॉल रेशो के बारे में जिन्होंने नहीं देखा है, किरण सर का एक वीडियो है पुट कॉल रेशो के ऊपर, उसको जरूर देखिएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके पुट कॉल रेशो देखिएगा, उसका आप स्टडी कीजिएगा। रोज पुट कॉल रेशो मेंशन अपडेट करते रहिएगा एक्सेल शीट में। ये एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए तो आपको हमें मेल भेजना है info@kiranjadhav.com। इस ईमेल आईडी पर आप मेल भेजेंगे कि आप हमें पुट कॉल पीसीआर का शीट दे दो, हम आपको अपडेटेड पुट कॉल रेशो का शीट दे देंगे। रोज आपको हमारे वेबसाइट पे आके वो अपडेट करना है। हमारे वेबसाइट पर पुट कॉल रेशो हम रोज अपडेट करते हैं। ये देखो, ये 3:30 बजे वाला जो पुट कॉल रेशो होता है, ये आपको रोज अपने अपने शीट में अपडेट करते रहना है, और उस वीडियो में जो लिखा है उसके आधार पर आप निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब ये पुट कॉल रेशो क्या कहता है, तो दोस्तों पुट कॉल रेशो अगर मैं फ्राइडे का देखता हूं तो वो है 1.031, और इसका चार्ट अगर हम देखेंगे तो इस चार्ट में जैसा हमारे वीडियो में किरण सर ने एक्सप्लेन किया है, ये जो लेवल है करीब करीब 0.7, यहाँ पे हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं, और 1.5 के आसपास हमें बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। अभी हम 1.03 के आसपास है, यानी वी आर इक्वली पॉइस्ड, सेम लेवल पे आके रुके हैं जहां पे कॉल और पुट दोनों का, दोनों की मात्रा बराबर है, यानी यहाँ पे टशन हो रहा है, यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स में रस्सी खींच हो रही है, टग ऑफ वॉर हो रहा है, कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगा। इसीलिए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हमने दिए हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके ऊपर मॉनिटर करना जरूरी रहेगा। तो दोस्तों PCR 1.03 के आसपास है तो थोड़ा सावधानी बरतनी है, वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है, किसी एक साइड के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला तो उस डायरेक्शन में हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। दोस्तों ये था पूरा वीकली वीडियो। हमने सबसे पहले तो पिछले वीकली वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट्स दिए थे, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो के लिए भी आपके बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स चाहिए ताकि हम और इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सके। जिस तरह का गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको और बेहतर बनाने की हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारी कंपनी का जो टैगलाइन है दोस्तों वो है पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय फॉर नाउ।